हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन। दिस इज सतीश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस जो आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट इस तरह से पूछी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ये एक क्वेश्चन पेपर लिया है, उसमें से आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किससे पूछी गई हैं और कैसे आपसे पूछी जाएंगी, ऐसे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर का जो है प्रिंट हमने लिया है उसमें आपको ये बताना है हमें कि किस तरह से आपकी एग्जाम में आपसे इडियम फ्रेजेज है वो पूछी जाएंगी और पूछी जाती हैं। उसके बाद में हम वन टू वन जो इम्पोर्टेंट आपकी जो एग्ज़ाम के लिए जो इडियम फ्रेजेज हैं उनके लिए अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है इसमें कि इडियम फ्रेजेज दे रखे हैं, इसमें से फोर अल्टरनेटिव दे रखे हैं और उनमें से आपको पिकआउट करना है कि विच वन इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इडियम फ्रेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसका मतलब क्या होता है और इसमें से नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन से वाला है वो इसके ऊपर सुटेबल है। ओके, देखिए, एक्वीर फिश, क्वेश्चन में एक्वीर फिश मतलब एक फिश जो पीर हो, अजीब हो। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है कि ए स्ट्रेंज पर्सन, ए गुड पर्सन, एन अनलक्की पर्सन, ए लक्की पर्सन। तो यहाँ पे क्वीर का मतलब होता है अजीब। ठीक है, फिश कोई भी चीज़ जो आपको अजीब लगे, अजीब लगने का मतलब क्या हो गया, ए स्ट्रेंज पर्सन, एक अजनबी आदमी, एक अजीब आदमी जिसको अपन बोलेंगे। तो ये देखिए, इसमें सेम टू सेम आपका जो पढ़ा हुआ है वैसे आप आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में देखिए, बी इन द रनिंग, रनिंग में रह जाना, आप दौड़ रहे हो और दौड़ते दौड़ते आप रह गए, इसका मतलब आप क्या हो गए, वो जो पोजीशन है आपकी उसको आप हार गए, हार गए तो आपका क्या जाएगा, इन ए लूजिंग पोजीशन, हारने वाली स्थिति, हारने वाली पोजीशन, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद में आता है ईट लाइक ए बर्ड, ईट लाइक ए बर्ड, बर्ड कितना खाता है, थोड़ा ही खाता ना, तो थोड़ा खाता है, इसका मतलब खाने वाला कितना, बहुत थोड़ा। तो ईट क्विकली, क्विकली भी नहीं होता, ईट अलोट बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना, ईट कंटिन्यूसली लगातार भी नहीं खाना, ईट वेरी लिटिल बहुत थोड़ा खाना, भाई पक्षी होता वो थोड़ा ही खाता है, तो थोड़ा खाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ईट वेरी लिटिल। उसके बाद में आपका आता है ए सी चेंज, देखिए ए सी चेंज का मतलब क्या हो गया कि ऐसा चेंजेस समुद्र भर, यानी कि बहुत सारा चेंजेस, ए सी चेंजेस मीन्स ऐसा चेंजेस, ऐसा परिवर्तन जो समुद्र के जैसा, मतलब सब कुछ परिवर्तित हो जाना, इसका मतलब एक कंप्लीट चेंज, पूरा का पूरा चेंज हो जाना ना, कंप्लीट चेंज हो जाना, दैट इज ए सी चेंज। ओके, लॉक हॉर्न्स, लॉक हॉर्न्स मतलब जो हॉर्न है, भाई आप मान लीजिए सींग है, उनको क्या करके रखना, लॉक करके रखना, इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती करना कोई भी चीज़ पे। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज़ के ऊपर क्या करना, फालतू बकवास करना। तो आर्ग्यू अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में आर्ग्यू करना, किसी भी चीज़ के बारे में आर्ग्यू करना, आर्ग्यू का मतलब क्या होता है भाई, बहस। भाई आप कोई भी जैसे कि मान लीजिए सींग है, उनको बांध के रखोगे, उनको तो आप एक तरह की कोई भी बेवजह बेहुदी हरकत तो करते हो, तो वही चीज़ क्या हो गया, लॉक हॉर्न मीन्स आर्ग्यू अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में बहस करना। ए पर्ल ऑफ विजडम, पर्ल ऑफ विजडम, पर्ल का मतलब मोती, विजडम का मतलब बुद्धिमानी, इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, यानी कि एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, आपको कोई सलाह दे रहा है कि भाई ये idiom phrases हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आपको कोई ना कोई अच्छी सलाह दे रहा है, यानी कि आपके लिए वह क्या हो गई, ए पर्ल ऑफ विजडम हो गई। अर्ली बेड, अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड का मतलब क्या हो गया, ऐसा बर्ड जो सबसे पहले आए, यानी कि फर्स्ट अराइवल, तो आपका क्या हो गया इसमें, फर्स्ट अराइवल, पहले आना। बी इन सेवंथ हेवन, बी सातवें आसमान पे होना, यानी कि आप कोई भी चीज़ आपको मिल जाता है, आपको कोई भी खुशी मिलती है, आपको कुछ भी जैसे कि अचानक सडनली कुछ थिंग्स मिल जाती है, आपका जोनिंग आ जाता है, आपको नौकरी मिल जाती है, यानी कि आप क्या हो जाते हो, बी इन सेवंथ हेवन, आप सातवें आसमान पे हो जाते हो, इसलिए इसमें क्या जाएगा, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यधिक खुश हो जाना।
बी इन द पिंक, बी इन द पिंक। पिंक क्या होता है भाई? नहीं कहते कि भाई आज तो पिंक पिंक लग रहे हो, ठीक है? आप बोलते हो कि नहीं बोलते अपने दोस्तों को, भाई आज तो क्या बात है, पिंक पिंक नजर आ रहे हो। इसका मतलब आप बताओ, पिंक का मतलब क्या हो गया? पिंक का मतलब हो गया बहुत ही अत्यधिक हेल्दी होना, यानी कि हेल्दी का मतलब एकदम स्वस्थ। पिंक पिंक का मतलब क्या हो गया भाई? कहते नहीं भाई आज तो बड़े पिंक नजर आ रहे हो, मतलब आप लोग एकदम हेल्दी स्वस्थ दिख रहे हो। इसमें आगे है बी इन द रेड। बी इन द रेड का मतलब क्या हो गया भाई? आपके लिए कोई भी चीज है रेड लाइन हो गई, और रेड लाइन होते ही इसका मतलब क्या हुआ? टू ओ मनी टू ए बैंक। आपने बैंक से क्या के लेके रखा है? बैंक से आपने ऋण लेके रखा है। बी इन द रेड मीन्स होना कर्जदार होना। क्या होना? कर्जदार होना। इस तरह से आपका ये क्या हो गया? आंसर ए हो गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, वन टू वन जो इम्पोर्टेंट हैं उनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और समझ के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई उनका हम कैसे यूटिलाइज करें और कैसे उनको एग्जाम में आए, तो इनमें से हमें कैसे करना है। ओके, आप मेरे साथ साथ में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा, और आप थोड़ा सा उसमें क्या करके रखना, याद करके रखना। ए नाइन डेज वंडर, बोलते ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ए नाइन डेज वंडर मीन्स क्या हो गया कि एन इवेंट विच रिलेट्स ए सेंसेशन फॉर ए टाइम बट इट इज सून फॉरगॉटन। यानी कि कोई भी चीज है वो है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर बाद में इसको भूल जाती है, इसलिए ए नाइन डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी, ध्यान रखना। येलो प्रेस, येलो प्रेस ये काफी बार पूछा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा न्यूज़पेपर विच इज पब्लिश सेंसेशनल, सेंसेशनल को होते हैं ना अनस्क्रिप्टेड स्टोरीज, सेंसेशनल थिंग्स जो होती हैं जो उनको एग्जिजरेट करता है, एंड द न्यूज़ टू अट्रैक्ट रीडर्स, किसी भी रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी मतलब तेज तर्रार जो खबरें होती है ना वो करना है, उसको बोलेंगे येलो प्रेस। टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड, टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड। कोई भी कैंडल को आप दोनों हाथों से पकड़ के उसको बर्न करते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी नष्ट कर रहे हो, यानी कि टू एक्सपेंड एनर्जी इन टू डायरेक्शन एट द सेम टाइम। दोनों एक सेम टाइम एक समय में और दोनों डायरेक्शन में, यानी कि दोनों दिशाओं में आप अपनी एनर्जी जो है ना वो एक्सपेंड कर रहे हो, अपना जो बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो उसका मतलब। इफ़ द कैप फिट्स वियर इट, इफ़ यू थिंक द रिमार्क्स रेफर टू यू देन एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म। यानी कि इफ द कैप फिट वियर इट, कोई भी चीज़ जो आप पे सुइटेबल है उसको आपको एक्सेप्ट करना है, यानी कि ऐसी कैप जो आपको फिट है उसको आपको वियर करना है, यानी कि जो चीज़ मैंने कहा आपकी अच्छाई की आपको स्वीकार करना है, तो मैंने आपकी बुराई की तो उसको भी स्वीकार करना है, ठीक है? अगर आप में है तो, अगर वो फिट है तो। ओके, केयर किल्ड द कैट, केयर किल्ड द कैट, इट मीन्स ऐसी कैट जो केयर करती हो उसको किल करना, यानी कि डोंट फ्रेट एंड वरी योर सेल्फ टू डेथ। अपने आप में जो चीज़ गलत है उसको स्वीकार करने में क्या नहीं होना चाहिए, वरी नहीं होना चाहिए उसमें। डोंट फ्रेट एंड वरी योर सेल्फ टू डेथ, केयर किल्ड द कैट मीन्स डोंट फ्रेट एंड वरी योर सेल्फ टू डेथ, ये ध्यान रखना। कैच वंस आइज, टू कैच वंस आइज मीन्स क्या हो गया, आप ऐसी बात बोले आपने कि दूसरे की नज़र पड़ी, यानी कि दूसरे का जो अटेंशन है उसको आपने अट्रैक्ट किया, आपने टू कैच वंस आइज आपने ऐसी बात बोली कि दूसरे का जो अटेंशन है वो आपके ऊपर पड़ा, ठीक है? अट्रैक्ट किया मतलब कोई भी चीज़ आपको किसी ने किया हो या आपने किसी का किया हो। टू टेक द चेयर, टू प्रिसाइड ए मीटिंग, एक टू टेक द चेयर का मतलब मीटिंग का है वो डिसाइड करना, आपस में मिलन करना, उस पर कोई भी चीज़ पे मीटिंग करना। सी हैज़, सी इज नो चिकन, सी हैज़ नो चिकन मीन्स चिकन का मतलब भाई छोटा जो होता है उसके लिए बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि सी इज ओल्डर देन सी सेज, वह जो कहती है उससे ज़्यादा वह बड़ी है, इसका मतलब वह क्या नहीं है, चिकन नहीं है, यानी कि बच्ची नहीं है। टू पिक एंड चूज, टू मेक ए केयरफुल सिलेक्शन, टू पिक एंड चूज मीन्स टू मेक ए केयरफुल सिलेक्शन, सावधानी पूर्वक कोई भी चीज़ का सिलेक्शन करना। टू स्क्वेयर द सर्किल, किसी भी सर्किल को स्क्वेयर करना, ठीक है? किसी भी सर्किल को स्क्वेयर करना, इट मीन्स टू अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है उसको भी अटेम्प्ट करना। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, इट मीन्स एडवर्स कंडीशन डू नॉट लास्ट फॉर एवर, बुरी स्थिति जो होती है वो हमेशा के लिए नहीं होती है, एडवर्स कंडीशन जो होती है ना वो फॉर एवर नहीं होती है। इसका मतलब एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, हर जो क्लाउड है उसमें सिल्वर लाइनिंग भी होती है।
क्लोज फिस्टेड मीन्स बहुत बड़ा, मीन मीन का मतलब तुच्छ, क्लोज फिस्टेड तुच्छ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज फिस्टेड मीन्स होना मीन होना, मीन का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल ऐसे तुच्छ जिसको बोलोगे ना, आप जानते हो ये एक गाली होती है इंग्लिश के अंदर, मीन का मतलब जिसको मतलब नीच जिसको अपन बोलते हैं ना, वो। कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, यहाँ पे ये कि तेती ताव पसारिए जेती लंबी सोट, ये एक हिंदी में है ना मुहावरा, तेती ताव पसारिए जेती लंबी सोट। तो वैसे ये कि लिव विद इन योर इनकम, अपनी जो इनकम है अपनी कोलर में रहना, यानी कि अपनी इनकम में रहना, अपनी जो इनकम है जो आपके पास पैसे हैं ना उन्हीं में रहना, उनसे ज़्यादा आप खर्चा करोगे तो आप क्या हो जाओगे, कर्जदार बन जाओगे। ए कोक एंड बुल स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए फुलिशली इनक्रेडिबल स्टोरी, एक मूर्ख भरी एक अविश्वसनीय कहानी। एक कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब एक फुलिशली एक मूर्ख भरी अविश्वसनीय कहानी। टू बी कोक श्योर, इट मीन्स टू बी परफेक्टली श्योर एंड सर्टेन, टू बी परफेक्टली श्योर एंड सर्टेन, ये ध्यान रखना, मतलब कोई भी चीज़ में सर्टेन बनना, उसमें परफेक्ट बनना। टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन एनीथिंग, किसी भी आदमी के ऊपर अपन ठंडा पानी करते हैं, इसका मतलब उसको डिस्करेज करते हैं, उसके प्रयासों को क्या करते हैं, हताश बनाते हैं हम उसको। कोई भी आदमी प्रयास कर रहा है और आप उसको डिमोरलाइज कर दिया आपने, इट मीन्स टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन एनीथिंग, आपने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया है, ये ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब आपके पास बैग है उसमें से बिल्ली घुसी हुई है और उसको आप बाहर निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ गया, टू रिवील द सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, आपको किसने कोई रहस्य बताया, कोई अच्छी चीज़ बताई और आप सबके सामने उसको उजागर कर दिया, इसका मतलब आपके बैग में जो बिल्ली थी उसको आपने बाहर निकाल दिया, इसका मतलब वो आपने कोई भी सीक्रेट है उसको रिवील कर दिया, रहस्य को रिवील का मतलब उजागर कर दिया। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब हो गया फुल ऑफ ब्रूसाइज, यानी कि ब्लैक एंड ब्लू का मतलब कोई भी चीज़ ओपनली जिसको अपन बोलेंगे। बी ऑन क्लाउड नाइन, बी वेरी हैप्पी, बी ऑन क्लाउड नाइन मतलब बहुत खुश होना। लास्ट स्ट्रो, इट मीन्स द फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आप आती हैं आपके सामने और वो एक आप सोचते हो कि भाई ये वाली तो प्रॉब्लम लास्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, लास्ट स्ट्रो हो गया। ओके ए बर्ड्स आई व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या हो गया, विहंगम दृश्य, बर्ड्स जो है उड़ रहा है, उड़ते उड़ते उसने सब कुछ देख लिया, इसका मतलब बर्ड्स आई व्यू हो गया। तो एक ऐसा व्यू, ऐसा व्यू फ्रॉम ए वेरी हाई प्लेस दैट अलाउ यू टू सी ए वेरी लार्ज एरिया, यानी कि विहंगम दृश्य, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, विहंगम दृश्य बोलेंगे। लिटमस टेस्ट कि एक मेथड दैट हेल्प टू नो इफ समथिंग इज करेक्ट, तो चीज़ सही है उसको जानने के लिए, नहीं कहते कि भाई एक आपका लिटमस टेस्ट होना चाहिए, सही है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है उसको जानने के लिए उसको बोलेंगे लिटमस टेस्ट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, इट मीन्स क्या हो गया, विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत कोई भी चीज़ करने की जो इच्छा होती है उसको बोलेंगे एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। ठीक है, अफ्रेड ऑफ वंस ओवन शैडो, टू बिकम ईजिली फ्राइटेंड, जल्दी से फ्राइटेंड हो जाना, भयभीत हो जाना। ए हाउस ऑफ कार्ड, कार्ड से घर बनाने का मतलब पुअर प्लान, आप कोई भी चीज़ है कार्ड है, कार्ड का मतलब ताश के पत्तों में घर बनाते हो ना, तो वो इसका मतलब आपका प्लान पुअर प्लान है आपका। फूल्स पैराडाइज, फूल्स का मतलब मूर्ख होते हैं, ठीक है ना, तो मूर्खों का जो पैराडाइज का मतलब फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, झूठी जो चीज़ें होती हैं। गेट ए रो डील, रो मतलब कच्चा होता है, ठीक है। नॉट टू नॉट बी ट्रीटेड एज वेल एज अदर पीपल, दूसरे जो लोग होते हैं उनके जैसा ट्रीटेड न होना, यानी कि गेट ए रो डील, कच्ची डील करना, समझे ना। गिव ए कोल्ड शोल्डर, किसी को आप कंधा दे रहे हो और कोल्ड का मतलब हल्का दे रहे हो, उसको मतलब उसको आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। हैंड स्मूथ, हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ मीन्स क्या हो गया, टू लीव ऑन ओनली बेसिक नेसेसिटीज, जो नेसेसिटीज होती हैं आपका, हैंड टू माउथ का मतलब समझे क्या भाई, हाथ और मुंह तक कोई भी चीज़ है, इसका मतलब जो आपने कमाया वो खाया, कमाया खाया, एडिशनल नहीं सोचा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी है ना। मेक ए फेस, आप भी फेस बनाते हो ना, टू शो डिसलाइक और डिसअपॉइंटमेंट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, मेक ए फेस मुंह बनाना, आप ऐसे स्पेशली जो है ना आप एक्सप्रेशन करते हो मुंह बनाने वाला, तो उसको बोलेंगे कोई भी चीज़ के प्रति आप मुंह बनाते हो का मतलब आप उस चीज़ को डिसलाइक कर रहे हो, ठीक है, आपका डिसअपॉइंटमेंट शो हो रहा है उसके ऊपर, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, इट
उससे, इट्स ग्रीक टू मी, देखिए इट्स ग्रीक टू मी मीन्स समथिंग दैट इज नॉट अनअंडरस्टेबल, जो चीज़ आपके समझने योग्य नहीं है। ग्रीक को समझते हो क्या? ठीक है ना, तो वो जो समझने योग्य नहीं है ना उसको अपन क्या बोलेंगे, इट्स ग्रीक टू मी, ये मेरे लिए क्या है, नहीं समझने वाली चीज़ है। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, देखिए आप कोई भी चीज़ में जो परेशानी है ठीक है उसमें ऑयल जो है उसको प्योर करते हो, इसका मतलब उसको सूदिंग करते हो। सूदिंग करने का मतलब आपने, मतलब आग में घी डालने का काम तो क्या हो गया, उसको भड़काना, लेकिन पानी में आप क्या कर रहे हो, ऑयल डाल रहे हो, इसका मतलब उस मामले को आप शांत कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू मेक पीस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए आपका क्या आता है, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स तो आप सभी जानते हो भाई, कोई भी चीज़ की अच्छाई या बुराई, द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ए मैटर इन डिटेल, कोई भी चीज़ की अच्छाई प्रोज एंड कॉन्स तो सबको पता है। बी इन ए लाइट टाइट कॉर्नर, बी इन ए टाइट कॉर्नर इट मीन्स इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में होना। क्रॉस वंस टीज एंड डॉट डूट्स, इट मीन्स डॉट मीन्स क्रॉस वंस टीज एंड डॉट, इट मीन्स बी प्रेसिस केयरफुल एंड वंस इज एग्जैक्ट, ठीक है। कोई भी चीज़ को प्रेसिस करना, कुछ भी इसको शॉर्ट बना के रखना, बहुत ही सावधानी पूर्वक कोई भी चीज़ को छोटा बना के रखना। एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, आर्म्स लेंथ मीन्स क्या हो गया, टू कीप एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस पे करके रखना, मतलब आपका हाथ जाए वहाँ तक उसकी दूरी रखना। आउट ऑफ द क्वेश्चन इम्पॉसिबल, निकल गया, दिस इज आउट ऑफ माई माइंड, दिस इज आउट ऑफ माई क्वेश्चन, दिस इज आउट ऑफ माई विट, ये मेरी समझ से बाहर है, इसका मतलब वह इम्पॉसिबल है। ओके आगे देखिए, आउट ऑफ द वे इट मीन्स स्ट्रेंज, आउट ऑफ द वे मीन्स स्ट्रेंज, अजनबी। शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, रन अवे, हील्स मतलब बिल्कुल तली दिखाना, पैर की जो है ना, पैरों तले वाली जो सिस्टम जो है, जितनी तलियां जो है वो दिखाएगा, इसका मतलब है भग गया। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड मीन्स द एनजाइटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान, कि ऐसी चिंता जो जिसकी आपने आशा की है और उसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, आपका चेंज नहीं कर सकता उसको कुछ भी चीज़ें। तो कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड मतलब क्या हो गया, आपकी ऐसी चिंता जिसमें आपने आशा की है, ऐसी जिसको चिंतित करने की, उसकी कोई भी प्लान को कोई भी चीज़ आपको अपसेट नहीं कर पाएगी, इसका मतलब आप सफल हो जाओगे। इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, निक ऑफ द टाइम मीन्स लास्ट मोमेंट। ओके, सेटिंग ऑन द फेंस, फेंस का मतलब ऐसे क्या होता है, बाड़ा होता है, बाड़े के पास में बैठना, मतलब हेजिटेज बिटवीन टू डिसीजन, किसी भी चीज़ का डिसीजन के बीच में हेजिटेज, आशंका पैदा करना, कोई आदमी बाड़े के पास बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ शंका लेके बैठेगा, मतलब तो वहाँ पे उसको हेजिटेशन होगा किसी न किसी चीज़ को लेकर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, यानी कि स्प्रेड क्विकली, एक वाइल्ड फायर का मतलब जंगल में जो आग कितनी तेजी से फैलती है, वैसे ही कोई भी चीज़ स्प्रेड होती है। द गिफ्ट ऑफ द गैब, बहुत बार पूछा हुआ है, इसका मतलब कोई भी चीज़ का टैलेंट है बोलने का, उसको बोलेंगे। ओके यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रैंक एंड फाइल मीन्स ऑर्डिनरी पीपल, रैंक एंड फाइल मतलब साधारण व्यक्ति, बाय फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स इन शॉर्ट पीरियड नॉट रेगुलरली, कभी कभार जिसको अपन बोलेंगे, ए वी बिट मतलब छोटा सा, ए लिटिल। आउट ऑफ द वुड फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स, आउट ऑफ द वुड मीन्स परेशानियां, खतरे से बाहर। अंडर हिज थंब अंगुलियों के नीचे मतलब उसको कंट्रोल में। एट वंस विट्स एंड, किसी भी विट का, विट का मतलब क्या होता है, समझदारी, उसका एंड होना। इन ए स्टेट वेयर वन डजेंट नो वट टू डू, यानी कि उसकी बुद्धि जो है उसका एंड हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एट वंस विट, विट का मतलब क्या होता है, ऐसे सूझबूझ जिसको अपन बोलेंगे, आपकी समझदारी जिसको बोलेंगे, और उसका एंड हो जाना, किसी भी आदमी की समझदारी का एंड हो जाना, इसका मतलब वो नहीं जानता है कि उसको क्या किया जाए। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि खतरों के बीच में आप जो है, डेविल एंड डीप सी के बीच में रहोगे, इसका मतलब खतरों में रहोगे, ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये बहुत बार ये भी पूछी गई है, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स वर्क सो स्टडी हार्ड, वर्क और स्टडी हार्ड, कठिन मेहनत करना, यानी कि बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब देर रात तक जगे रहना, उसको लगे रहना, ये काफ़ी न्यूज़पेपर में आता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो होते हैं ना उसमें आता है ऐसा। ओके, कॉल ए स्पेड ए स्पेड, ए स्पेड मीन्स स्पीक फ्रेंकली डायरेक्टली, कॉल स्पेड स्पेड मीन्स स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर, बी हाईली सक्सेसफुल, बहुत ही ज़्यादा सफल पूर्वक होना।
होपिंग अगेंस्ट होप विदाउट होप, यानी कि किसी भी होप के अगेंस्ट में होप रखना, मतलब कोई बिना किसी आशा के। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, डू और से द एग्जैक्ट थिंग, यानी कि साफ सुथरी बात को कहना या करना। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड, ए पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, ए पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, कोई भी चीज़ में अपना पर्सनल इंटरेस्ट होना, ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। टू गेट रीड ऑफ, ये छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार आता है। एट डेगर स्टोन, मतलब बिटरली होस्टाइल, एट डेगर स्टोन का मतलब परेशानियों में ही रहना हमेशा। टू प्ले डक एंड ड्रेक, टू एक्ट फुलिसली और इनकंसिस्टेंटली, कोई भी काम को फुलिसली करना और इरेगुलर करना, ठीक है। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। टू टेक द बुल बाय द ऑर्न, ठीक है, यानी कि कोई भी बुल है, कोई भी जैसे कि आपका जो बैल है उसको हॉर्न से लेके जाते हो, मतलब उसके सींग पकड़ के लेके जाते हो, इसका मतलब क्या हो गया, टू टेक ए प्रॉब्लम इन ए होल्ड एंड डायरेक्टली फैशन, यानी कि आप आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है ना ऐसे, यानी कि प्रॉब्लम को खुद ही आप अपने उसमें करते हो जबरदस्ती, ठीक है। टू टेकल ए प्रॉब्लम इन ए बोल्ड, कोई भी चीज़ में बोल्ड नहीं दिखाना, ठीक है ना। रेन कैट्स एंड डॉग, रेन कैट्स एंड डॉग मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होना, कैट एंड डॉग्स मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश होना। ए क्लोज सेव, नैरो एस्केप, बहुत बाल बाल बचना। टू कट ए सॉरी फिगर, मतलब कोई भी चीज़ को, टू मेक ए पुअर शो, बहुत ही ज़्यादा कोई भी चीज़ में हल्का ही दिखाना। विद ए हाई हैंड ऑप्रेसिवली, विद ए हाई हैंड मतलब ऑप्रेसिवली होता है। बर्न वंस फिगर, उंगली जलवा लेना। गेट इन टू ट्रबल, यानी कि परेशानी में पड़ना। लाफ वंस हेड ऑफ, लाफ हर्टली, हंसना किसी के ऊपर, ओके। क्रू द कर्ड, क्रू द कर्ड मीन्स पोंडर ओवर समथिंग, कोई भी चीज़ के ऊपर पोंडर करके रखना, यानी कि उसके ऊपर कुछ छिड़कना, यानी कि प्ले सेकेंड फिडल, टेक एन इम्पोर्टेंट पार्ट, टेक एन इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत ही अनइम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है उसको लेना, प्ले ए सेकेंड फिडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबो बोर्ड, यानी कि बोर्ड से ऊपर होना, यानी कि ऑनेस्ट ईमानदार होना। थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल कंडीशन, किसी भी चीज़ के सिचुएशन में होना, कंडीशन के अंडर में होना। पुट ए स्पोक इन वंस हील, टू अपसेट वंस प्लान, किसी भी आदमी का प्लान जो है उसको क्या कर देना, अपसेट कर देना। एट सिक्स एंड सेवन्स इन ए डिसऑर्डर, सिक्स एंड सेवन मीन्स क्या हो गया, डिसऑर्डर, ऐसे खंडर जिसको अपन बोलेंगे। एट होम, इसका मतलब ये भी क्या है, कंफर्टेबल, लग्जरी जिसको अपन बोलेंगे। अल्फा ओमेगा, काफ़ी बार पूछी गई है, अल्फा ओमेगा मतलब क्या हो गया, द बिगिनिंग एंड द एंड, शुरुआत और अंत। एट सी मतलब कन्फ्यूज, एट सी मीन्स क्या हो गया, कन्फ्यूज हो गया। ए बूजम फ्रेंड, ए वेरी क्लोज फ्रेंड, बूजम फ्रेंड मीन्स क्या हो गया, ए क्लोज फ्रेंड। एट वंस बैक एंड कॉल, एट मीट मीन्स एट वंस सर्विस, क्या होना, किसी की सेवा। बाई लिप्स एंड बाउंस, दिन दुनी रात चौगुनी, इसका मतलब रैपिडली। टू बर्न वंस बॉट, गो बैक ऑन ए डिसीजन, अपने वापस डिसीजन पे जाना। टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश मतलब टॉक इररिलेवेंटली, किसी भी अप्रासंगिक जिसके में बातें करना, मतलब फालतू की बातें करना। इस तरह से आपके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपकी जो idiom phrases हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको क्या करके रखना है, ढंग से याद करके रखना है। और भी इंपॉर्टेंट जो है, जो एग्जाम पे आई हुई हैं, प्रीवियस जो एग्जामों में आई हुई हैं, उनको लेके आपके लिए आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।